डियर स्पीके, मैं मेरी सिटी से दूर दूसरे सिटी में जॉब करता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। मैं फ्रेंडशिप के लिए बहुत सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स पर भी घूम चुका हूँ, पर मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऑनलाइन डेटिंग साइट से फ्रेंडशिप कैसे करें? हमें सोशल मीडिया फ्रेंडशिप में कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए? जल्दी से जल्दी फ्रेंडशिप कैसे किया जाए, कृपया बताएं। आशीष 143@gmail.com। देखो आशीष, तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे FB से लड़की कैसे पटाएं, ऑनलाइन डेटिंग टिप्स या लड़की को क्या मैसेज करना चाहिए। देखो, अगर तुम लड़की से रोज बात करते हो या ओकेजनली चैट करते हो तो तुम्हारे दिमाग में यही सवाल होता है कि लड़की को इम्प्रेस कैसे किया जाए। देखो, ऑनलाइन डेटिंग में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला है तुम्हारा प्रोफाइल। मान लो तुम अगर सोशल नेटवर्किंग साइट पर हो तो तुम्हारा प्रोफाइल सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये अजनबी लड़की के सामने फर्स्ट इंप्रेशन का काम करता है। लड़की तुम्हारे प्रोफाइल को पसंद करे, इसलिए तुम्हें अपने प्रोफाइल को ऐसे बनाना है जो कि उसके आंखों को अच्छा लगे। तुम्हारा प्रोफाइल कैसा दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोफाइल को कभी खाली मत रखो और ऐसे ही अपने प्रोफाइल में कुछ भी मत लिखो। तुम्हारे प्रोफाइल की कोई थीम होनी चाहिए। तुम्हारा प्रोफाइल तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा होना चाहिए। 70% लड़कों की प्रोफाइल एकदम खाली होती है क्योंकि वो उसमें कुछ नहीं लिखते। ब्लैंक प्रोफाइल देखकर तुम लड़की को ये बता रहे हो कि तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग है। प्रोफाइल इंटरेस्टिंग ना हो तो लड़कियां ऐसे प्रोफाइल को ओपन करते ही बंद कर देती है। वो ना ऐसे लड़कों से बात करती है, ना ऐसे लड़कों किसी बात का रिप्लाई करती है। बहुत सारे लड़कों के प्रोफाइल अच्छे होते हैं, उनके प्रोफाइल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। लड़कियां ऐसे लड़कों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उनसे बात करती है। तुम्हारी प्रोफाइल देखकर लड़की के मन में सवाल पैदा होना चाहिए। लड़कियां इस सवाल का जवाब पाने के लिए तुमसे बात करेगी। बहुत सारे लड़के इस चीज को जानते हैं, वो लड़की के सवाल का जवाब ही नहीं देते और दूसरी बात शुरू कर देते हैं। लड़की के बारे में जान लेते हैं, लड़की बेचारे लड़के के बारे में जानने के चक्कर में लड़के को दिमाग से उठाकर दिल में जगह दे देती है। लड़का सारा दिन उसके दिमाग में छाया हुआ रहता है। बहुत सारे लड़के अपने प्रोफाइल में सुविचार लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। देखो, ये अच्छी बात होती है, लेकिन एक बात सोचो, क्या तुम्हारा प्रोफाइल सुविचार लिखने के लिए है? तुम्हारा प्रोफाइल फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारे आने वाली लाइफ कैसी होगी? तुम्हारे प्रोफाइल में आज़ादी झलकनी चाहिए। तुम्हारे प्रोफाइल में तुम्हारे बारे में होना चाहिए, ना है कि पॉलिटिक्स, समाज या इधर उधर की बातें। अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे प्रोफाइल को कैसे डिजाइन करना है तो तुम किसी बंदे के प्रोफाइल को कॉपी कर सकते हो जिसकी बातें तुम्हें पसंद हो। हाँ, किसी और के आइडियाज चुराना, कॉपी करना गलत है, लेकिन तुम अपनी जरूरत के हिसाब से उसे थोड़ा सा बदल सकते हो। अरे यार, इंटरनेट बहुत बड़ा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स कलेक्शन तुम्हें मिल जाएंगे। देखो, ये मायने नहीं रखता कि तुमने कॉपी किया है, जरूरी ये है कि तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज जो लड़कियां सोशल नेटवर्किंग साइट में देखती है वो है तुम्हारे फोटोज। तुमने कैसे फोटोज अपलोड किए हैं इसे पता चलता है कि तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी लाइफ कैसी है। तुम्हें ऐसे फोटोज अपलोड नहीं करने चाहिए जिसमें तुम किसी कार के पास खड़े हो। इससे लड़की को ऐसा लगता है कि वो किसी और की कार हो सकती है। लड़की सोचे कि तुम कार दिखाकर इम्प्रेस कर रहे हो। तुम्हारा पासपोर्ट फोटो नहीं होना चाहिए, तुम बहुत दूर खड़े हो। हाँ, अगर सीन बहुत बढ़िया है तो ऐसे फोटोज रख सकते हो, प्रोफाइल फोटो में चार लड़के खड़े हैं। अरे भाई, तुम कोई पजल गेम थोड़ी ना खेल रहे हो, तुम्हारे प्रोफाइल में आकर सबसे पहले तुम नजर आने चाहिए। तुम्हें कैसे फोटोज रखने चाहिए ये भी देख लेते हैं, जिसमें तुम्हारा चेहरा साफ साफ नजर आता हो। दुनिया में हजारों फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तुम किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने फोटोज को अट्रैक्टिव बना सकते हो। अच्छे फोटोज जो सही तरीके से क्लिक किया हो, ऐसे फोटोज जो तुम्हारे जुनून को बयां करते हो। मान लो जैसे तुम किसी स्टेडियम में बैठे हो और अपने फेवरेट टीम के लिए चीयर अप कर रहे हो, ऐसे फोटोज जो तुम्हारे सक्सेस या खुशी को बयां करते हो, जैसे तुम किसी ट्रॉफी को पकड़े हुए हो। आज यही खत्म करते हैं, आगे की कहानी अगले पार्ट में होगी। वीडियो को लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।